दोस्तों अगर मैं आपको एक कैमरा दूं और एक लोकेशन दूं कि आपको इस लोकेशन का फोटो खींच के रोज मुझे भेजना है, आप कुछ दिन तो ठीक है सर ने कहा है तो खींच के भेज देते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद आप सोचेंगे कि एक ही लोकेशन है, एक ही कैमरे से खींचना है, तो आप क्या करेंगे? पुरानी फोटो भेजते जाएंगे, सोचेंगे नए फोटो की क्या जरूरत है, नई इमेजेस लेने की क्या जरूरत है जब पुरानी इमेजेस से काम चल रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेंडेंसी, मैं इसके बारे में बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके दिमाग से डायरेक्टली रिलेटेड है, आपका दिमाग भी यही करता है। जब आप ये आपके दिमाग से एक जैसा काम रोज लेते हैं तो ये दिमाग भी हमारा नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना या नया डेटा कलेक्ट करना बंद कर देता है और पुराने डेटा से ही और पुरानी इन्फॉर्मेशन या पुरानी इमेजेस से ही काम लेते जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको कैमरे वाले उदाहरण से समझाया। आप ड्राइविंग के एग्जाम्पल से अच्छा समझ सकते हैं, जैसे आप मान लीजिए ड्राइविंग कर रहे हैं, एक जैसी सड़क है, सीधी सड़क है, हमारा दिमाग बार बार अभी तो देख रहा है कि हाँ ठीक है मुझे यहाँ पर ड्राइव करना है, यहाँ पर ड्राइव करना है, लेकिन कुछ देर बाद ही, सपोज 1-2 घंटे बाद ड्राइविंग करते करते एक पोजीशन ऐसी आती है जब दिमाग नई इमेजेस लेना बंद कर देता है और पुरानी इमेजेस से ही काम चलाने लगता है। इसलिए कहते हैं कि ड्राइविंग कर रहे हैं आप तो हर 2 घंटे के बाद में एक ब्रेक लीजिए, नहीं तो अगर आप कंटिन्यूसली ड्राइविंग करेंगे तो वो क्या करेगा, आपका दिमाग पुरानी ही इमेजेस को रिपीट करेगा, वो नई आंखों से जो इमेजेस आ रही है उनको रिकॉर्ड नहीं करेगा, ऐसे में एक्सीडेंट के चांसेस बनते हैं क्योंकि आप एक ही चीज को बार बार देखे जा रहे हैं, तो उसके लिए भी स्टेलमेंट जैसी कंडीशन हो जाती है। तो जब आप 15-20 मिनट का ब्रेक लेते हैं हर 2 घंटे के बाद में तो दिमाग को रिफ्रेशमेंट मिलता है, वो फिर से नई चीजों को रिकॉर्ड करना शुरू करता है। खाली ड्राइविंग के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में आप देखो, आप सुबह उठने से लेकर शाम तक के अपने सारे दिनचर्या को एक बार ध्यान से देखिए कि आप एक ही जैसा एक ही पैटर्न पे काम किए जा रहे हैं। एक रिसर्च से सामने आया है कि हम में से सभी लोग अपने जीवन का 95% हिस्सा एक मशीन की तरह जीते जा रहे हैं, मतलब कि एक पैटर्न में ही जीते जा रहे हैं, हम उसमें कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग जब रोज रोज एक ही एक काम करता है तो उसका एक पैटर्न दिमाग में बना लेता है, एक न्यूरो पैटर्न दिमाग में बना लेता है और उसी के हिसाब से काम करता जाता है। मैं इसको ये भी नहीं कहूँगा कि आप सबकॉन्शियसली काम कर रहे हैं, कॉन्शियसली तो आप 5% ही काम करते हैं दिन भर में, आप उसके अलावा 95% सबकॉन्शियसली काम करते हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि अनकॉन्शियसली काम करते हैं क्योंकि दिमाग में चीज़ें इतनी बार पहुंच चुकी हैं कि एक तरह की कि दिमाग ने एक पैटर्न बना लिया है। आप सुबह से लेके रात तक का आपका हर चीज़ फिक्स होने लगता है, धीरे धीरे आप कुछ भी परिवर्तन नहीं चाहते हैं, यहाँ तक कि हमारा दिमाग भी नई चीज़ों को सीखना बंद कर देता है, वो सोचता है ना पुरानी चीज़ों से काम चल रहा है क्यों नई चीज़, जैसे कि मैंने आपको कैमरे वाले एग्जाम्पल से बताया कि नई इमेजेस क्यों ले जब पुरानी इमेजेस काम चल रहा है। दिमाग भी पुरानी इमेजेस से ही काम चलाता रहता है, पुराने पैटर्न से ही काम चलाता रहता है। इसको कहते हैं कम्फर्ट जोन, यानी अब हमारा माइंड ने अपने लिए एक फिक्स पैटर्न बना लिया है, अपनी ज़िंदगी के लिए फिक्स सिस्टम बना लिया है, अब इसी में जिएंगे भैया, अब कुछ नया नहीं करेंगे, फिक्स आदतें बना ली। इसलिए कहते हैं ना ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, पुरानी आदतें बड़ी मुश्किल से पीछे छोड़ती हैं क्योंकि उन्होंने बना लिया ना सिस्टम, इससे चलना है बस। तो जीवन का 95% हिस्सा हम मैकेनिकली जी रहे हैं, कुछ भी नया क्रिएटिव नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि माइंड की एक्टिविटीज कम होने लगती है, कुछ भी नई स्किल सीखने से डरता है। जैसे कि एक एग्जांपल और दूं, आप शादी में गए, खाना खाने गए, कहीं पार्टी में गए, आप 2-3 घंटे के लिए वहां गए तो आप 2-3 घंटे सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ में समय बिताते हैं जिनको आप पहले से अच्छे से जानते हैं, चाहे वो आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो, खास लोग हो, आप उन्हीं के साथ ही पूरा समय बिता देते हैं। जबकि वहां पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप नए लोग मिले हैं, वहां पर और भी नए लोग भी मिलते हैं, आप उन लोगों से नए लोगों से मेलजोल कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, नए कॉन्टेक्ट्स अपने डेवलप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हमारा दिमाग नई चीज़ों से डरता है, नए लोगों से बात करने से डरता है, नई जगह पर जाने से डरता है, नई सिचुएशन को फेस करने से डरता है, या रजिस्ट करता है, डरता नहीं है तो कम से कम रजिस्ट करता है क्योंकि उसने अपने पुराने सिस्टम में कंफर्ट जोन में अपनी जगह बना ली फिक्स, अब कुछ उसको नया नहीं करना है। आप जैसे कि मैंने बताया कुछ लोग टीवी देखते हैं तो टीवी पे वही चैनल देखते जाते हैं जो हमेशा से देखते आ रहे हैं, स्पोर्ट्स देख रहे हैं तो स्पोर्ट्स देखते जाएंगे, या पेपर पढ़ रहे हैं तो वही पुरानी खबरें और पैटर्न को बार बार पढ़ते जाते हैं, पेपर में और भी कुछ नए कॉलम और नई चीज़ें ऐड होती हैं उनको नहीं पढ़ते हम क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट के नहीं होते, क्योंकि दिमाग
एक ये काम करते करते इंटरेस्ट भी फिक्स कर लेता है। इसका कुछ फायदा तो ये है कि भाई आपके दिमाग आपकी लाइफ को सिंपल कर देता है, क्योंकि कुछ नया नहीं सीखना है, नया नहीं करना है। जैसे रोज जी रहे हैं, रोज ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से घर आ रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, बिजनेस से घर आ रहे हैं, सेम रास्ते से रोज गाड़ी चला के जा रहे हैं, सेम रास्ते से गाड़ी चला के आ रहे हैं, सब कुछ दिमाग में इतने अच्छे से फिट हो गया कि अनकॉन्शियसली वो आपके जीवन को आराम से चलाया जा रहा है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि आपके दिमाग की क्रिएटिविटी कम हो जाती है, सोचने समझने का पैटर्न स्लो पड़ता जाता है, आप अपने डिसीजन भी पुराने पैटर्न पे लिए जा रहे हैं, भले ही आप गलती करते जा रहे हैं लेकिन फिर भी अपने डिसीजन उन्हीं पैटर्न्स पे लेते जा रहे हैं। क्योंकि जब भी आप कोई डिसीजन आपके सामने आता है, आप दिमाग के उसी सेटअप का इस्तेमाल करते हैं जिसका सेटअप का इस्तेमाल आप हमेशा से करते आए हैं, यानी कि कुछ भी नया नहीं करना है। तो हर बार गलती करते आ रहे हैं तो इस बार भी गलती करेंगे। इस तरह से दिमाग क्या होता है कि आइडल होता जाता है, और फिर दिमाग की कुछ बीमारियां जैसे कि मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम, अल्जाइमर जैसी बीमारियां बुढ़ापे में इसी कारण से हो जाती है, क्योंकि दिमाग से आप कुछ भी नया नहीं करवा रहे। दिमाग जब तक आप दिमाग से कुछ नया करवाते रहेंगे, दिमाग कभी बूढ़ा नहीं होता है। दिमाग को अगर आपको हमेशा स्वस्थ तंदुरुस्त और शार्प रखना है तो आप इससे कुछ ना कुछ नया करवाते रहिए। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप रोज एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, आप सोच रहे हैं एक मिनट में क्या होगा, हाँ सिर्फ एक मिनट, आपको रोज कुछ ऐसा काम करना है जो आपने अभी तक जीवन में नहीं किया या नहीं सीखा। सिर्फ एक मिनट, आप इस एक मिनट में कोई नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख सकते हैं, या आप जो पेपर पढ़ रहे हैं ना उस पेपर में एक मिनट के लिए वो खबरें पढ़िए या वो कॉलम पढ़िए जो अब तक आपने पढ़े नहीं थे, या आप हिंदी का पेपर पढ़ रहे हैं तो एक मिनट इंग्लिश का पेपर पढ़िए, या आप टीवी पे हमेशा स्पोर्ट्स देखते आ रहे हैं, क्रिकेट ही क्रिकेट देखते आ रहे हैं तो थोड़ा चेंज करके कुछ नया स्पोर्ट्स, नए तरीके की चीज़ें देखिए, वही चैनल देखते आ रहे हैं आप चेंज करके दूसरे चैनल लगा के देखिए, कुछ भी नया करिए। रोज एक ही रास्ते से आप ऑफिस जा रहे हैं या जो भी आपका फिक्स डेस्टिनेशन है, कभी आप रास्ता चेंज करके जाइए, एक ही गाड़ी से जा रहे हैं आप गाड़ी चेंज करके जाइए, या पब्लिक व्हीकल से जाइए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि लोग अपनी गाड़ी चलाने के इतने आदि हो जाते हैं कि आप वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही भूल जाते हैं कि गाड़ियाँ और भी हैं। मतलब कुछ भी आपको रोज एक मिनट के लिए या एक कोई नया टास्क नया करना है, तो उससे क्या होगा कि हमारे दिमाग इस अपने जो कंफर्टेबल जोन में फिक्स हो गया ना, इससे बाहर निकलेगा थोड़ा थोड़ा बाहर निकलेगा तो नई नई चीज़ें सीखेगा तो आपके न्यूरॉन्स हमेशा नए नए डेवलप होते जाएंगे और उनमें नए नए पैटर्न डेवलप होंगे। आप रोज नहीं तो कम से कम महीने में एक नए व्यक्ति से बात कीजिए जिससे आपने आज तक बात नहीं करी है। हाँ, उससे क्या होगा कि आपको नए लोगों से बात करने की तरीका भी डेवलप होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा, और आपके नए लोगों के प्रति आपके कॉन्टेक्ट बढ़ने से आपके कई काम होने लगेंगे। आपने अभी तक करने में जो डरते थे उसका थोड़ा थोड़ा काम कीजिए, जैसे कि आप पार्टी में नए लोगों से बात करने में डरते थे तो आप जाइए उनसे बात कीजिए, इंट्रोडक्शन लीजिए, वो क्या करते हैं आप क्या करते हैं, थोड़ा सा विचारों का आदान प्रदान कीजिए, पॉलिटिक्स के बारे में या नई चीज़ों के बारे में सीखते रहिए, बात करते रहिए। कुछ भी नया रोज थोड़ा थोड़ा आप करते रहेंगे ना तो ये आपका दिमाग हमेशा जवान रहेगा, और अगर आप नहीं करवाएंगे तो ये दिमाग धीरे धीरे बूढ़ा होता जाएगा। यानी कि मैं आपको ये वीडियोस के माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने आप को हमेशा रिन्यूअल रखिए, हर समय नया होता जाए, कुछ कुछ नया करते जाइए, कोई नई जगह घूमने जाइए, नए लोगों से मिलिए, नई सिचुएशन में जाइए, कोई नई स्किल सीखिए, इस तरह से माइंड को हर समय रिफ्रेश कीजिए। आप देखिए कि जितना ज़्यादा आप इस माइंड से काम करवाएंगे उतना ही ज़्यादा ये वर्सेटाइल होता जाएगा। अगर इस वीडियो को आप अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं इसका मतलब आपका माइंड वर्सेटाइल हो रहा है, क्योंकि आपने इस नई चीज़ को सुनने के लिए यहाँ तक सब्र किया और यहाँ तक आप वीडियो को सुनते आए। जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत हो आप उनको फॉरवर्ड कीजिए, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में इसी तरह के किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।